हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपाली श्रेष्ठा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने किचन में। आज मैं आपको बना के दिखाने वाली हूं बहुत ही कम सामग्री से बनने वाली, बहुत ही इजी और बहुत ज़्यादा जूसी सूजी से बनने वाली स्वीट्स, जिसका नाम है रसभरी मिठाई। तो चलिए आइए देखते हैं। सूजी की रसभरी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी सूजी। जिस कटोरी से मैंने सूजी ली है उसी कटोरी से दो कटोरी मैंने चीनी ली है, आधा चम्मच इलायची पाउडर, ऑरेंज फूड कलर, और मैंने दो जगह बादाम लिए हैं। एक को थोड़ा इस तरह काटा है लंबे लंबे शेप में और एक को बिल्कुल ही छोटा छोटा और बारीक बारीक काटा है। इसे हमें कैसे और कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और कढ़ाई गर्म होने के बाद हम डालेंगे इसमें दो चम्मच देसी घी। ये मैंने मेरा घर का बनाया हुआ देसी घी है, आप चाहें तो जौन सा मर्जी देसी घी यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे सूजी। देखिए घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें सूजी। सूजी को लगातार चलाते हुए हमें फ्राई करना है। इसका पूरी तरह से हम कलर चेंज नहीं करेंगे, बस इसको हल्की खुशबू आने तक और इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो तब तक ही हमें इसे फ्राई करना है। जब तक इसमें से खुशबू ना आए और हल्का हल्का फ्राई ना हो ये, तब तक हमें बिल्कुल इसे नहीं छोड़ना है, लगातार चलाते हुए फ्राई करना है, नहीं तो हमारी सूजी जल सकती है। देखिए इस तरह से ही लगातार चलाते हुए फ्राई करते रहिए। ये देखिए सूजी का कलर हल्का चेंज हो चुका है और इसमें से बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है। अब हम डालेंगे इसमें दो कटोरी दूध। जिस कटोरी से हमने सूजी ली है उसी कटोरी से हम दूध डालेंगे और गैस का फ्लेम एकदम
लो मीडियम कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें दूध डालना है ताकि इसमें गांठें ना पड़े। जिस कटोरी से दूध लिया था उसी कटोरी से मैंने जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से मैंने दो कटोरी दूध लिया है। दूध डालने के बाद भी हमें हाई फ्लेम कर देना है और लगातार चलाते हुए ही इसे मिक्स करना है ताकि इसमें गांठें ना पड़े। और जो मैंने बिल्कुल बारीक करके बादाम काटे थे वो भी इसमें मिक्स करने हैं। और थोड़ा सा इलायची पाउडर मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा सा बचा के रखूंगी, वो बचा के रखूंगी उसको कहाँ और कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और एक से दो चम्मच हमें यहाँ पे डालनी है चीनी। और एक पिंच डालना है हमें इसमें फूड कलर। और इसे हमें लगातार ही इसी तरह चलाते रहना है जब तक कि ये अपने आप पढ़ाई ना छोड़ने लग जाए। ये देखिए अब ये पूरा इकट्ठा हो चुका है और अपने आप ही देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है। देखिए कढ़ाई में ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, तो इसका मतलब हमारी सूजी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और सूजी को एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। ये देखिए सारी सूजी मैंने एक प्लेट में निकाल ली है। इसे अच्छे से फैला के थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारी सूजी ठंडी होती है तब तक हम बनाते हैं रसभरी के लिए चाशनी। चाशनी के लिए मैंने एक भगोना गैस पर रख दिया है और जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी कटोरी से हम एक कटोरी पानी लेंगे। और उसी कटोरी से हम दो कटोरी चीनी लेंगे। चीनी को हल्का सा मेल्ट होने दें। अभी हमारी चीनी मेल्ट नहीं हुई है, इसे पूरी तरह से अच्छे से मेल्ट करना है। जो मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर बचा के रखा था वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ और थोड़ा सा फूड कलर भी इसमें डाल देती हूँ। और ये सब डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फूड कलर और इलायची और ड्राई फ्रूट्स टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालिए, नहीं अच्छा लगता तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और देखिए हमारी चाशनी कितनी अच्छे से उबल रही है। हमें इसका तार नहीं बनाना है, बस हमें इसको तब तक उबालना है जब तक इसमें चिपचिपापन और ऐसे गिरने पे थोड़ा सा हमें लगे कि हाँ गाढ़ी हो चुकी है तब तक ही हमें इसे उबालना है। देखिए इसको मैं हाथों में लेके देखती हूँ, मुझे इसमें हल्का चिपचिपापन अब महसूस हो रहा है और हमारी चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। हमारी चाशनी बनके अब रेडी है। अब हम क्या करते हैं गैस का फ्लेम ऑफ।
ये देखिए सूजी भी हमारी ठंडी हो चुकी है, बस इसको इतना ही गर्म रखना है जितना कि हम इसे टच कर सकें, और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है इस तरह से हाथों से जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह करते हुए इसे हमें अच्छे से तब तक मिक्स करना है जब तक कि एक डो की फ्लेम में ना आ जाए। ये देखिए सूजी को लगातार मसलते हुए और इसको अच्छे से गूंद के ये देखिए सूजी हमारी एकदम डो के फ्लेम में आ चुकी है। अब हम सूजी को आप चाहें तो अगर थोड़ी छोटी, आप चाहें तो थोड़ी बड़ी, जितनी आपको लोई पसंद हो उतनी लोई लेके इस तरह से हाथों के बीच में रख के उसे और इस तरह से ये देखिए इस तरह से हम उसे हमें एक अच्छी सी गोल सी शेप देनी है। ये देखिए इसी तरह से हमें अपने सारी सूजी का छोटे छोटे लोई बना के इसी तरह से ऐसे आकार दबाते हुए बनाना है। पीसीज आप अपने मनपसंद से चाहे थोड़ा छोटा चाहे थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। अगर आपका डो हाथों में चिपकता है तो आप अपने हाथों को ऑयल या घी से ग्रीस भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें अपने सारी सूजी का सारे डो का इस तरह से हमें लोइयां बना के तैयार कर लेनी है। ये देखिए इतने डो में मेरे 16 पीसेस बन के तैयार हुए हैं। आप चाहें तो और छोटे करके थोड़े ज़्यादा पीस बना सकते हैं और आप चाहें तो और थोड़े बढ़ के थोड़े बड़े करके थोड़े कम पीसेस बना सकते हैं। आपको जैसे चाहे आप वैसा ही बना सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। मैंने पहले से ही गैस पे फ्राई पैन रख दिया था और फ्राई पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। हमें ऑयल को हाई फ्लेम करके अच्छे से गर्म करना है। ये देखिए हमारा ऑयल अब अच्छे से गर्म हो चुका है। ऑयल को गर्म करने के बाद हम एक एक अपना इसमें सूजी आराम आराम से डालेंगे एक करके
और गैस का फ्लेम लो कर देंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो और अंदर तक भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। ये देखिए, जब एक तरफ से हमारी रसभरी फ्राई हो जाए तब हम इसको दूसरी तरफ भी टर्न कर देंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई होने देंगे कलर चेंज होने तक। सभी को ध्यान से एक एक करके पलटेंगे। जब हम तेल में इनको डालेंगे तब हमें इसे तुरंत नहीं छूना है, हल्का सा फ्राई होने के बाद ही छूना है। अगर हम इसे तुरंत छुएंगे तो हमारी रसभरी टूट सकती है। और ये देखिए कितनी फूली फूली तैयार हुई है, इसका मतलब हमारा डो बहुत ही अच्छे से बना था। देखिए अच्छे से बना था और हमने डो को अच्छे से मैश किया है। जब आपको लगे कि आपका ऑयल बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है तब आप गैस के फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर सकते हैं और थोड़ा सा ऑयल और गर्म करने के बाद उसे दोबारा से लो कर दीजिए। ये देखिए हमारी रसभरी दोनों तरफ से बढ़िया से फ्राई हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब हम चाशनी को इस तरह से एक बर्तन में शिफ्ट कर देंगे और चाशनी याद रहे हमारी हल्की हल्की गर्म होनी चाहिए। आधी चाशनी हम इस तरह से डाल देंगे और गरम गरम ही रसभरी ऑयल से निकाल के हमें चाशनी में डिप करनी है। हमें गरम गरम इसमें चाशनी में इसको इस पर डालना है ताकि हमारी रसभरी अच्छे से रस पी ले। और जो थोड़ी सी चाशनी मैंने बचा के रखी थी उसे हम इनके ऊपर से डाल देंगे। और इसे इसी तरह से 15-20 मिनट के लिए अच्छे से रस पीने के लिए छोड़ देंगे। हमारी रसभरी एकदम ठंडी हो चुकी है। ये देखिए अगर हम दबाएंगे तो इसमें से देखिए किस तरह से रस निकल रहा है। और ये देखिए अंदर भी कितनी दबाने से कितना रस है इसमें, इसका मतलब हमारी रसभरी
एकदम सही बनी है और रस से भरी हुई बनी है। और जो मैंने इस तरह से बादाम काट के रखे थे वो हम एक एक करके इसके ऊपर लगा देंगे। देखिए लग रही है ना कितनी लाजवाब, और यकीन मानिए ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगेगी। आप भी इस तरह से घर में ज़रूर बनाइए, बच्चों को बड़ों को सभी को खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आप भी यह रेसिपी घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने अनुभव, अपना ढेर सारा प्यार मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।